हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू ऑल हियर मी? ओके, सो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. बच्चों, क्या नाम है उस चैप्टर का? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. गुड इवनिंग अखिलेश, कैसे हो आप? आज का जो लेक्चर है ना एवरीवन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये लेक्चर जिसको समझ में आएगा इसको, फिर उसको पूरा चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो आज का लेक्चर समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, कैन यू हियर मी सृष्टि? ओके सृष्टि, आप दो तीन लेक्चर एब्सेंट क्यों थे? चलो स्टार्ट करते हैं. प्लीज एब्सेंट मत रहो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग मिस कर दोगे अगर आप एब्सेंट हो गए तो. सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि वॉट इज परम्यूटेशन एंड वॉट इज कॉम्बिनेशन. ठीक है, चलो एक बहुत मस्त एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक. ओके एवरीवन, सो दिस इज अवर टॉपिक फॉर टुडे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ. लेकिन उसके पहले एक छोटी सी स्टोरी. शैल वी प्रोसीड, स्टार्ट करें? ओके, हाउ आर यू सृष्टि नाउ? हाउ इज योर हेल्थ? हाय शिवम, चलो स्टार्ट करते हैं. एक बार बोल दो स्टार्ट करना है तो चलें स्टार्ट करें. ओके 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 सृष्टि, टेक केयर. ऑलराइट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अब जैसे मैंने कल इस चैप्टर की जब बात की थी तो कोई तो लेक्चर में था, उसने कहा था सर ये वर्ड पहले कभी सुना भी नहीं, राइट? किसी ने तो कहा था, तो चलो अब इसको सुन भी लेते हैं और इसको समझ भी लेते हैं. ठीक है, आई विल स्टार्ट नाउ. देखो क्या है, एक स्टोरी है जिसमें ना एक ना सपोज क्रिकेट मैच होने वाला है. ठीक है, क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल लेते हैं. क्रिकेट मैच होने वाला है, ओके? अब क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है मालूम है? हमारे पास सपोज चार प्लेयर है, मतलब वैसे तो 11 प्लेयर का मैच होता है पर 6 प्लेयर सपोज सिलेक्टेड है पहले से ही. ठीक है, अब मेरे पास 4 प्लेयर का ऑप्शन है, ए बी सी डी. ठीक है, मैं इनमें से क्या करने वाला हूं, ए बी सी डी में से 3 प्लेयर को सिलेक्ट करने वाला हूं. कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं? कोई भी 3 प्लेयर मुझे सिलेक्ट करना है. आई वॉन्ट टू सिलेक्ट एनी 3 प्लेयर. हा, मेरा कोई चॉइस नहीं है कि मेरे को यही पर्टिकुलर प्लेयर चाहिए. एनी 3 प्लेयर, आई वॉन्ट टू सेलेक्ट एनी 3 प्लेयर. कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बताएगा? तो हम लोग पहले ए बी सी ले सकते हैं, करेक्ट? या ए बी सी ले लो आप, या तो हम लोग ए बी डी ले सकते हैं, ए बी डी ले सकते हैं, या तो ए सी डी ले सकते हैं, या तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, बी सी डी ले सकते हैं. और कोई तरीका है क्या, बोलो भाई, और कोई तरीका है क्या? मैं एक बार ए बी सी ले लिया, फिर उसके बाद ए सी डी ले लिया, बी को छोड़ दिया, फिर एक बार ए, मैंने ए बी सी दो बार लिख दिया ना, ए बी डी आ जाएगा यहां पे, ए बी डी. मैंने ए बी सी एक्चुअली दो बार लिया, तो एक बार कैसे किया, देखो फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से. सबको एक एक बार लिया, एक एक बार मैंने कैंसिल किया, समझ, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. एक बार ए बी सी ले लिया, डी को कैंसिल कर दिया, फिर एक बार ए बी डी ले लिया और सी को कैंसिल कर दिया, फिर एक बार ए सी डी ले लिया, बी को कैंसिल कर दिया, फिर एक बार बी सी डी ले लिया, ए को कैंसिल कर दिया, मतलब सबको एक एक बार कैंसिल कर दिया. यस और नो, आपको समझ में आया? इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट एनी 3 प्लेयर आउट ऑफ दिस 4 अवेलेबल ऑप्शन, आई कैन सेलेक्ट आइदर ए बी सी, आई कैन सेलेक्ट आइदर ए बी डी, आई कैन सेलेक्ट आइदर ए सी डी, और आई कैन सेलेक्ट आइदर बी सी डी. ठीक है, अच्छा अब इनको सेलेक्ट करने के बाद तो कितने फोर हो, कितने वेज हो गए, नंबर ऑफ वेज?
यस इट्स एक्सप्लेनेशन लेक्चर, इट्स द फर्स्ट लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए बताओ मुझे, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग थ्री प्लेयर फ्रॉम फोर प्लेयर। मेरे को फोर प्लेयर्स में से थ्री प्लेयर्स को सेलेक्ट करने का कितना नंबर ऑफ वेज पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ वे। दैट्स राइट आंसर अखिलेश, गुड इवनिंग ऋषि। देर आर फोर वेज। अच्छा अब इसमें इस ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ये जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस था ना, गुड इवनिंग शिवम, ये जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस था एवरीबॉडी सुन रहे हो सब लोग, उसको सेलेक्ट करने वाले प्रोसेस को, ये चार प्लेयर में से तीन प्लेयर को सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो सबको कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया, एक बार समझ में आया तो अंडरस्टूड बटन प्रेस कर दो, नहीं समझ में आया तो नो लिख दो चैट बॉक्स में। ओके ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं परम्यूटेशन। ठीक है मैं पहले बता दे रहा हूं कि मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मैं अभी परम्यूटेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और परम्यूटेशन मतलब आप लोग समझने की कोशिश करना। अब सपोज मैंने इसमें से क्या करना है सुनो सब लोग, नाउ ईच सेलेक्टेड ग्रुप इज अरेंज्ड फॉर अ फोटोग्राफ। अब जैसे मान लो ये वाला जो सेलेक्टेड, अगर मान लो ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, एबीसी वाले प्लेयर सेलेक्ट हो गए, अब इनको मुझे क्या करना है फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना है, फोटोग्राफ। ओके क्या करना है इन लोगों को, एबीसी को अरेंज करना है, किसके लिए अरेंज करना है, फोटोग्राफी के लिए अरेंज करना है। तो जैसे जैसे हम लोग देखो ना कभी सेल्फी लेते रहते हैं, तो सेल्फी लेते वक्त अगर मान लो तीन लोग हैं, अगर तीन लोग खड़े हैं सेल्फी लेने के लिए, एक बंदा बीच में खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, तो हर कोई चाहता है कि मैं बीच में आके एक बार खड़ा होकर सेल्फी ले लूं, है ना, बोलते नहीं मैं बीच में रहूंगा, बात समझ में आ रहा है क्या, हर कोई चाहता है कि हम लोग बीच में आके सेल्फी ले लें, इज दिस क्लियर। तो मतलब हर कोई चाहता रहता है कि मेरा पोजीशन सबसे मेन वाला, सबसे फ्रंट पे रहे। अरे यस और नो आप लोग बताओ मुझे, फोटो खिंचाते वक्त हर कोई चाहता है कि नहीं कि हम लोग सबसे फ्रंट पे रहें, यस। तो उसमें वो उसमें उसकी कोशिश क्या होती है, जो फोटो जब जो लोग फोटो अपना क्लिक करवाते रहते हैं उन लोगों की कोशिश ये होती है कि मैं सबसे ज्यादा फ्रंट पे रहूं, मतलब वो अपने आप को एक अच्छे पोजीशन पे अरेंज करना चाहते रहते हैं। जैसे कैसे, एबीसी एक तरीका, तो एबीसी हो गया कि आप एबीसी खड़ा करके फोटो ले लो, मतलब ए को पहले रखो, बी को बाद में रखो, फिर सी को रख दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बताओ, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है एसी भी हो सकता है, दैट्स राइट विराज। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बी ए सी हो सकता है। चलो तीन तरीका मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी लोग लिखो। जैसे अभी ऋषि ने लिखा बी सी ए भी हो सकता है, और फिर हाँ कैब सी ए बी भी हो सकता है, ये भी तरीका। फिर उसके बाद पांच तरीके हो गए, छठवां तरीका और कौन सा बच गया, CBA बच गया, CBA, AC भी हो चुका है अखिलेश, ये देखो AC भी हो चुका है, ये जो ऋषि ने लिखा ना CBA वो करेक्ट है। अच्छा तो टोटल कितने वेज हो गए, और कोई वेज नहीं है। तो जब आप अरेंजमेंट करा रहे हो तीन बंदों का, थ्री प्लेयर्स का अरेंजमेंट करवा रहे हो, बराबर, थ्री प्लेयर्स का क्या करा रहे हो आप, अरेंजमेंट। तो थ्री प्लेयर्स का अरेंज्ड इन सिक्स वेज, थ्री प्लेयर्स अरेंज्ड इन सिक्स वेज। तो ये जो अरेंजमेंट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। जब आप किसी चीज को अरेंज करते हो डिफरेंट डिफरेंट वेज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। और जब आप कुछ चीजों को सेलेक्ट करते हो, क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, जैसे यहां पे ए बी सी डी था, उसमें से आपने सेलेक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अगर ये चीज 100% समझ में आई हो तो चैट बॉक्स में यस चाहिए।
अगर 100% नहीं समझ में आया तो नो लिखना है प्लीज। तो सेलेक्ट करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और उसको अरेंज करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। पहले शब्द का मतलब समझो। ओके चलो फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक मैं ये कह सकता हूं कि सबको टॉपिक का मीनिंग एटलीस्ट समझ में आया कि यहां पे क्या करना होगा, इस चैप्टर में अपने को क्या करना होगा बच्चों, इस चैप्टर में हमें कुछ चीजों को सेलेक्ट करके अरेंज करना होगा, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके ऑल राइट ऑल राइट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, आगे का टॉपिक चलते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम, अब ये तो मैंने वर्ड का चैप्टर का मतलब समझा, अब हम लोग का एक्चुअली इसमें एक एक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। चलो वन बाय वन कॉन्सेप्ट को हम लोग लर्न करते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी 10 seconds एवरीवन। Can you all see the page I have uploaded, everybody? All right, थोड़ा सा ये PPT का कुछ तो issue था, sorry for the disturbance. चलो fundamental principle of counting देखते हैं, चलो continue करते हैं everyone. So fundamental principle of counting में दो चीजें आती हैं, एक तो addition principle आता है। हम लोग counting कोई भी चीज का कैसे करते हैं, या तो उसको add करते हैं या तो multiply करके counting होती है, बराबर। So these are the two ways to use fundamental principle of टू द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। तो पहले हम लोग एडिशन का प्रिंसिपल देखेंगे। व्हाट इज एडिशन का प्रिंसिपल, जस्ट सी हियर, आई टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज आपके पास ना 2 फिजिक्स की बुक है और 3 मैथमेटिक्स की बुक है। कितनी फिजिक्स की बुक है, सपोज आपके पास फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2, ऐसे 2 फिजिक्स का बुक है और 3 मैथमेटिक्स का बुक है, M1, M2, M3। यहां तक समझ में आया? ये जो मैंने भी अभी जितनी बातें बोली हूं सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? ओके, सो सपोज हम लोग के पास 2 फिजिक्स की बुक है, 2 फिजिक्स बुक एंड 3 मैथ बुक। ओके, ध्यान से सुनना, अब मेरे को क्या करना है, आई हैव टू चूज। हम इसमें से देखो, सपोज देर आर 2 फिजिक्स बुक एंड 3 मैथ्स बुक, अब हमको क्या करना है, 1 बुक चूज करना है इसमें से, ठीक है। आई हैव टू चूज 1 बुक। तो फिजिक्स बुक के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, फिजिक्स बुक के लिए कितने ऑप्शन है, फिजिक्स बुक को चूज करने के लिए कितने ऑप्शन है, वेरी गुड, 2 ऑप्शन है। अच्छा, मैथ बुक को चूज करने के कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, करेक्ट ना। या तो मैं M1 ले लूं, क्योंकि बुक तो एक ही लेना, या तो मैं M2 ले लूं, या तो मैं M3 ले लूं, तो टोटल 3 वेज हो गए। अच्छा, तो टोटल कितने वेज हो गए, 5 वेज। टोटल कितने वेज हो गए, 5 वेज। तो यहां पे मैं फिजिक्स बुक कितने तरीके से चूज कर सकता था, m नंबर ऑफ वेज से, और मैथ बुक कितने तरीके से चूज कर सकता था, n नंबर ऑफ वेज से, मतलब जो भी वहां पे अवेलेबिलिटी है, मतलब 2 बुक है तो 2, और उधर 3 बुक अवेलेबल है तो 3। तो अगर मैं फिजिक्स बुक को m नंबर ऑफ वेज से सेलेक्ट कर सकता था और मैथ बुक को n नंबर ऑफ वेज से सेलेक्ट कर सकता था, तो टोटल कितने वेज हो गए, टोटल हो गया m+n। इज दिस क्लियर, मतलब अगर आप एक चीज को, मैं और इस पे भी डिस्कस करता हूं, अगर आप एक चीज को m नंबर ऑफ वेज से कर सकते हो और एक दूसरी चीज को n नंबर ऑफ वेज से कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, m+n हो गए। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत बहुत बड़ी बात बोली क्या मैंने, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसी को एडिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ध्यान से सुनो सब लोग, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का एक एग्जाम्पल, एकदम मस्त एग्जाम्पल ले रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, मुंबई से दिल्ली जाना है वाया पुणे। ओके, क्या करना है मुझे, मुंबई इधर नीचे है, दिल्ली उधर ऊपर है,
नॉर्थ में, यहां रास्ते में पुणे आता है, मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है वाया पुणे जाना है। अब इसमें कैसा है कि मुंबई से पुणे जाने के लिए दो ट्रेन अवेलेबल है। मुंबई से पुणे जाने के लिए कितनी ट्रेन अवेलेबल है? टू ट्रेन अवेलेबल है। और पुणे से दिल्ली जाने के लिए कितनी ट्रेन अवेलेबल है? थ्री ट्रेन। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए टू ट्रेन अवेलेबल है और पुणे से दिल्ली जाने के लिए, ध्यान से देखना कोई भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होना, थ्री ट्रेन अवेलेबल है। तो मैं मुंबई से पुणे कैसे जा सकता हूँ? देखो, मुंबई पुणे मैं ये वाली ट्रेन पकड़ के जा सकता हूँ, मैं ये वाली ट्रेन पकड़ के जा सकता हूँ, करेक्ट। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए कितने वेज हो गए? टू वेज हो गए। अब पुणे से मेरे को दिल्ली जाने के लिए कितने वेज है? थ्री वेज है। ये थ्री वेज हो गए दिल्ली के लिए। तो यहां पे टू वे और यहां पे थ्री वे। अब आपको मुंबई से पुणे, पुणे से दिल्ली, क्या ये आपस में, मुंबई से पुणे जब आप जाते हो तो क्या दिल्ली का कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हो क्या? नो। मतलब आप मुंबई से पुणे जा रहे हो तो आपका उधर अलग अपना काम है, फिर आप अगर पुणे से दिल्ली जा रहे हो तो उसका अपना अलग काम है, करेक्ट। तो इसमें जब ये, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये वाला जो इवेंट है और ये वाला जो इवेंट है, दोनों से एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब मुंबई से पुणे आप दो ट्रेन पकड़ के जाओ, कोई भी दो ट्रेन से जाओ, और पुणे से दिल्ली कोई भी ट्रेन, तीन ट्रेन से जाओ। ये सारे रूल्स फिक्स हैं, इसमें कोई भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। यस और नो? मतलब ऐसा है क्या कि मैं मुंबई से पुणे अगर एक ट्रेन पकड़ के चले गया तो फिर दिल्ली से पुणे जाने के लिए कोई ट्रेन बचेगी ही नहीं, ऐसा कुछ है क्या? बात समझो मेरी, बात समझो। अगर मैं मुंबई से पुणे मान लो ट्रेन नंबर वन पकड़ के चले गया, तो क्या ये दिल्ली, दिल्ली जाने वाला फिर जो ट्रेन वाला वो नाराज हो जाएगा क्या मेरे से, ऐसा कुछ है क्या? इसका आंसर आप लोग बोल रहे हो सर नहीं है, लेकिन आप ये पिछला एग्जाम्पल आके देखो, यहां पे देखो, ये पिछला वाला, ये बुक वाला एग्जाम्पल आके देखो। आपके पास दो फिजिक्स बुक है, तीन मैथ बुक है, वन बुक सेलेक्ट करना है। अगर आपने एक फिजिक्स बुक सेलेक्ट कर लिया तो क्या आप मैथ बुक सेलेक्ट करोगे? आपके पास दो फिजिक्स बुक थी, आपके पास तीन मैथ की बुक थी, आपने एक फिजिक्स की सेलेक्ट कर ली मान लो, तो क्या आप मैथ की बुक सेलेक्ट करोगे? आपको एक ही बुक सेलेक्ट करने का चांस था, आपके पास एक ही बुक सेलेक्ट करने का चांस था। अगर आपने फिजिक्स बुक सेलेक्ट कर लिया है तो क्या आप मैथ की बुक सेलेक्ट करेंगे? सबका नो चाहिए या तो यस चाहिए? तीन लोग रिप्लाई कर रहे हैं, नहीं करोगे, वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पहले बंदे ने दूसरे बंदे को रिजेक्ट करवा दिया या दूसरे बंदे के आउटकम को इफेक्ट किया? दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस वाले केस में, एडिशन वाले केस में, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक बंदे का आउटपुट दूसरे बंदे के आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है। अब इसका जवाब क्या है, यस या नो? अगर आप ये फिजिक्स सेलेक्ट कर लेते हो तो आप मैथ सेलेक्ट नहीं करते हो, तो मतलब एक बंदे का आउटपुट दूसरे बंदे के आउटपुट को इफेक्ट डाल रहा है। यस, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। जब नॉट इंडिपेंडेंट वाला केस आएगा तो एम प्लस एन होगा, उनके बीच में टोटल वेज फाइंड करने के लिए आप ऐड करोगे उनको। किसको नहीं समझ में आया, कितना, किसने इतनी बार एक्सप्लेन मोर बटन प्रेस किया, प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स। सी स्टूडेंट्स, यू हैव टू आस्क इन द चैट बॉक्स, ट्रस्ट मी, इट इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन इफ यू पीपल आर नॉट आस्किंग योर डाउट्स। चलो आओ चैट बॉक्स में पूछो, इसको नहीं समझ में आया। एक बार समझ में आया तो एक्सप्लेन मोर बटन, डिफरेंट कैसे पता करने का, वो तो क्वेश्चन आएगा तो टेंशन मत लो, आपको पता चलेगा। आप जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको उत्कर्ष, तो आपको समझ में आया ना कि हाँ एक केस दूसरे केस को इफेक्ट कर रहा है? समझ में आया कि नहीं आया बताओ आप मेरे को?
उसमें पहले से थोड़ी लिख के आएगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, ऐसे लिख के थोड़ी आएगा। पर जब आप सवाल को पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लगेगा ना कि हाँ सर, आप अगर फिजिक्स ले लेते हो तो मैथ लेने की जरूरत नहीं है, मतलब ये इसको इफेक्ट कर रहा है, मतलब ये एडिशन वाला केस है। अभी पता चला ना आपको, तो वैसे आगे भी पता चलेगा, टेंशन मत लो। अब इधर अगर मैं मुंबई से पुणे ट्रेन नंबर 1 पकड़ के चले जाऊंगा तो क्या ये सारी ट्रेन कैंसिल हो जा रही हैं क्या, या ऐसा कुछ मेरे पर कंपल्शन है कि अब इधर तू ट्रेन 1 पकड़ा तो इधर तो तेरे को ट्रेन 2 ही पकड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ कंपल्शन है क्या? नहीं है। तो मतलब ये पहला केस केस 1 है और ये आपका केस 2 है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड तो है ऑब्वियसली, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं तो फिर कनेक्टेड ही, बीच में पुणे कनेक्टेड है, पुणे हमारा जंक्शन है। लेकिन पहले केस में मैं क्या करके पुणे पहुंचा उससे दूसरे केस को लेना देना नहीं है। ट्रेन 1 पकड़ा कि ट्रेन 2 पकड़ा कि पैदल ही आ गया, उससे मेरे केस 2 का लेना देना नहीं है। तो जब ऐसा केस रहेगा तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए, मतलब दोनों केसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, दोनों केसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए केस 1 का जितना वेज है और केस 2 का जितना वेज है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि टोटल 6 वेज। समझे क्या? बोलो ना, बोलो। यस, विराज कुछ डाउट है आपको? पहले का नो है क्या? मैंने अभी जस्ट देखा। ओके ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अभी क्वेश्चन देखो तुमको एकदम समझ में आना शुरू होगा, अचानक से सब स्कॉलर नहीं बन जाओगे ना, ये भी बता दे रहा हूँ, मतलब समझ में आएगा धीरे धीरे, सब सॉल्व भी होने लगेगा। चलो, बहुत सारा क्वेश्चन लिया हूँ तो आपको कोशिश करेंगे कि समझ में आ ही जाए। टीचर वॉन्ट टू सेलेक्ट क्लास मॉनिटर इन अ क्लास ऑफ 30 बॉय 20 गर्ल, इन हाउ मेनी वे मॉनिटर कैन बी सिलेक्टेड इफ मॉनिटर मस्ट बी आइदर गर्ल और बॉय। अच्छा, एक और हिंट है, जब भी आइदर और आएगा, हिंट है ये, इसको हिंट बोलेंगे, जब भी आइदर और आएगा या सिर्फ और आएगा, आइदर और आए या तो सिर्फ और आ जाए, तब आप क्या करोगे? हमेशा एडिशन वाला यूज करोगे प्रिंसिपल। तो आइदर गर्ल और अ बॉय ऐसा मॉनिटर बनाना है। सिलेक्टेड हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन अ मॉनिटर बी सिलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी अ बॉय और अ गर्ल। मस्ट बी अ, अच्छा बॉय वर्ड टाइप ही नहीं हुआ इसमें, बॉय और अ गर्ल, इतनी पार्शियलिटी, मतलब बॉयज का नाम भी नहीं टाइप हुआ, सोचो सोचो कितना बुरा हो रहा है। ओके, सो बॉय और अ गर्ल, तो बॉयज के लिए कितना वे है अपने पास? बॉयज के लिए कितना वेज है अपने पास? 30 वे। अच्छा, मैं अगर इस 30 वे में से एक बॉय सेलेक्ट कर लिया तो गर्ल्स को सेलेक्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, तो मतलब पहला वाला जो आउटपुट है वो दूसरे वाले को इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, बताओ। पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले को इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं? अगर एक लड़का सेलेक्ट हो जा रहा है तो कोई भी लड़कियां सेलेक्ट नहीं होंगी, या अगर एक लड़की सेलेक्ट हो गई तो कोई भी लड़का सेलेक्ट नहीं होगा, दोनों भी बात है। तो पहला वाला बंदा दूसरे वाले बंदे को इफेक्ट डाल रहा है, मतलब दोनों नॉट इंडिपेंडेंट है। तो जब, अब मैं तुमको बता के ही आया हूं, जस्ट नॉट इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से आजाद नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो फिर एडिशन प्रिंसिपल यूज होगा। तो अगर 30 में से बॉय सेलेक्ट करना है तो 30 वेज है, और 20 लड़कियों में से किसी एक लड़की को सेलेक्ट करना है तो 20 वे, टोटल 50 वे है। एक तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी एक हिंट है। दूसरा हिंट है कि अगर और वर्ड आएगा ना तो हमेशा एडिशन करना है। 100% समझ में आया ये एग्जाम्पल? ये क्वेश्चन 100% समझ में आया? एक्सरसाइज 3.1 का फंडामेंटल प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। 99% भी समझ में आया तो चैट बॉक्स में नो लिखो। अगर आपको लगता है कि सर 1% डाउट है तो भी चैट बॉक्स में नो लिखना, या तो फिर आगे बढ़े, जिसको नो लिखना है वो लिख दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई बुरा मानने वाला सिस्टम नहीं है। योर टीचर इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ट्रस्ट मी।
ओके चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें और कहाँ है क्वेश्चन में, इसमें और यहाँ है क्वेश्चन में। हाँ वो मैंने कट किया ना, वो मैं आधा ही प्रिंट हुआ था ना, मस्ट बी गर्ल और बॉय वाला वर्ड आया ही नहीं उसमें। उत्कर्ष क्वेश्चन मैंने करेक्ट किया ना, ये देखो इधर गर्ल कट करके बॉय और गर्ल लिखा है। आप टेक्स्ट बुक ओपन करो ना, टेक्स्ट बुक में वैसे ही दिया हुआ जैसा मैंने लिखा हुआ है वो। ये मैंने पीडीएफ से बनाया था ना ये क्वेश्चन, तो पीडीएफ में मे भी मिस्टेक दिया होगा। जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक प्रिंटेड टेक्स्ट बुक है ना उसमें ऐसे ही दिया जो मैंने अभी लिखा है। ओके अ सिंगल सॉरी अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग्स बाय पुटिंग वन फ्लैग अबव द अदर। इफ फोर फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। ये अच्छा क्वेश्चन है। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग्स, तो कितने फ्लैग्स लेने हैं अपने को। और कैसा सिग्नल जनरेट करना है। अ सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम टू फ्लैग बाय पुटिंग वन फ्लैग अबव द अदर। एक फ्लैग को एक के ऊपर रखना है। इफ फोर फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स आर अवेलेबल, फोर फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, तो मेरे पास चार फ्लैग थे। फ्लैग वन, फ्लैग टू। उत्कर्ष अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और ध्यान दे दो आप। फ्लैग थ्री और फ्लैग फोर, ठीक है। कोई एक फ्लैग मैं सेलेक्ट कर लूंगा पहले, तो दो फ्लैग सेलेक्ट करने मेरे को। अरे यस और नो, दो फ्लैग सेलेक्ट करना है कि नहीं यार। अच्छा तो मेरे को दो फ्लैग सेलेक्ट करना है, तो पहला एक फ्लैग सेलेक्ट करूंगा। कितने ऑप्शन है मेरे पास इधर, कितने ऑप्शन है मेरे पास। फोर ऑप्शन है। अब मेरे को अगला फ्लैग सेलेक्ट करना है, यस और नो। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अगला फ्लैग सेलेक्ट करना है, क्या मेरे को क्वेश्चन में कहीं भी और दिया हुआ है। हम लोगों को कहीं भी और नहीं दिया हुआ है, पहली बात। तो दूसरी बात, अगला फ्लैग सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे मेरे पास। सपोज मैंने F1 सेलेक्ट कर लिया था पहले, अगला फ्लैग सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन बचे मेरे पास। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, तो 12 वेज हो गए ना। आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शंस कितने। पहला फ्लैग सेलेक्ट करते हो चार मेरे को दिख रहे थे, दूसरा फ्लैग सेलेक्ट करते हो मेरे को तीन दिख रहे थे, तो मैंने 4 × 3 लिखा, इक्वल टू 12 वेज। और तुम बोलोगे सर लेकिन इसमें ऐड और मल्टीप्लाई की तो बात आप नहीं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए हो अभी। तो मैं कहूंगा हाँ मैंने नहीं क्लियर किया है, ऐड आएगा कि मल्टीप्लाई, वो मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूं। अगर मैंने फ्लैग वन सेलेक्ट कर लिया सपोज, तो क्या फ्लैग टू फ्लैग थ्री फ्लैग फोर कैंसिल हो गया क्या, कि इनकी अपॉर्चुनिटी कम हो गई, ऐसा कुछ भी हुआ है क्या। अगर मैंने फ्लैग वन इसमें से सेलेक्ट कर लिया था, तो क्या फ्लैग टू फ्लैग थ्री फ्लैग फोर रिजेक्ट हो गए। नहीं रिजेक्ट हुए, नहीं हुए। लेकिन अगर यहां पे मैंने अगर एक बॉय सेलेक्ट कर लिया है एज अ मॉनिटर, तो सारी गर्ल्स रिजेक्ट हो गई। या मैंने अगर गर्ल्स रिजेक्ट सेलेक्ट कर लिया है एज अ मॉनिटर, तो सबके सब बॉयज रिजेक्ट हो गए। अरे समझ रहे हो इधर मल्टीप्लाई लिखने का रीजन, समझ रहे हो मेरे भाइयों। ठीक है आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलो ओके 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 माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक मिनट जरा मेरे को आप लोग को नोट्स देने के लिए इधर से थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। इन हाउ मेनी वेज हाउ मेनी टू लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड स्पेस व्हेन द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड एंड व्हेन इट इज नॉट अलाउड। सो दीज आर द टू केसेस, व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड एंड व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आई वॉन्ट एवरीबडी टू थिंक ऑन दिस। सिर्फ मैं ही सोचूं और मैं ही आंसर करूं तो फिर मजा नहीं है।
एक मिनट, मेरे को जरा ये नोट्स देने के लिए 1 सेकेंड का टाइम दे देना। कितने लोग नोट्स डाउनलोड करते हो? कोई है जो नोट्स डाउनलोड करता है कभी? नोट्स डाउनलोड किया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको डाउनलोड करके टेक्स्ट बुक ओपन करके उसको रिवाइज किया करो, सॉल्व एग्जाम्पल्स अनसॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व किया करो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। चलो लेट अस स्टार्ट। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज टू लेटर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड स्पेस व्हेन द रिपीटेशन इज अलाउड एंड व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहला वन ले लेते हैं, स्पेस नाम का लेटर है, स्पेस। जब रिपीटेशन अलाउड है तो मेरे पास पहला लेटर से टू लेटर सेलेक्ट करना है, टू लेटर्स, राइट। तो नंबर ऑफ वेज, पहला लेटर सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कौन बताएगा? अच्छा, राइट आंसर आ रहा है मेरे को चैट बॉक्स में, उत्कर्ष राइट आंसर, अखिलेश राइट आंसर। पहला लेटर सेलेक्ट करने के लिए 5 ऑप्शन है। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है मतलब मालूम है कि तुमने मान लो सपोज यहां से ए सेलेक्ट कर लिया ना, तो तुम दोबारा ए सेलेक्ट कर सकते हो, सेकेंड टाइम फिर से ए सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर तुमने ए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कैसा था, फ्लैग वन ले लिया तो फिर 3 ही फ्लैग बचे थे ना, अरे सुन रहे हो, पिछले वाले में तो रिपीटेशन नॉट अलाउड था, टू डिफरेंट कलर्स बोला था क्वेश्चन ने। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर है ना, 2 फ्लैग्स टू बी पुट वन अबव द अदर, तो ऐसे में रिपीटेशन अलाउड नहीं था, लेकिन इसमें रिपीटेशन अलाउड है। सपोज आपने स्पेस में से ए सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास अभी भी ए अवेलेबल है, तो सेकेंड लेटर सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास, सेकेंड लेटर सेलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास? वेरी गुड, वेरी गुड काश, विराज एंड शिवम, फिर से 5 वे, तो टोटल 25 वे हो जाएंगे। ओके, अब सेकंड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड होता है तो नंबर ऑफ वेज 2 लेटर अभी भी सेलेक्ट करना है। 2 लेटर आप कैसे सेलेक्ट करोगे? पहला लेटर सेलेक्ट करने के लिए कितना ऑप्शन है स्पेस लेटर में? 5 तो है, लेकिन अब उसमें से अगर आपने एक कोई सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपने एस सेलेक्ट कर लिया, तो आप दोबारा एस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? दैट्स राइट अखिलेश एंड शिवम। अब आपको 4 ही लेटर सेलेक्ट करना मिलेगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर आपने पहले एस सेलेक्ट कर लिया तो स्पेस बचा हुआ है खाली, 5 4 20 वेज। समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? ऋषि समझ में आ रहा है? और कौन है? उत्कर्ष का तो आंसर आ गया था, विराज आंसर कर रहा है, सृष्टि समझ में आया, शिवम ने आंसर कर दिया है ऑलरेडी, अखिलेश ने आंसर कर दिया है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई दिस, कुछ डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई दिस, 3 4 5 6 क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब तो मेरे को सॉल्व भी नहीं किया तो भी आंसर आना चाहिए आप लोग के थ्रू। ओके ओके, अखिलेश, उत्कर्ष, ऋषि, वेरी गुड। 3 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर बोला है सृष्टि, तो 3 बार सिलेक्शन करना पड़ेगा ना 3 डिजिट के लिए। हाँ राइट, क्या बात है, सबने राइट आंसर दिया है, शाबाश, वाह, सबके लिए थम्स अप, ये लो। सो पहला लेटर नंबर ऑफ वेज में अगर एक्सप्लेन कर दूं, नंबर ऑफ वेज अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, वेरी गुड है एवरीवन, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है चैप्टर। पहला डिजिट सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। मेरे को 3 बार सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 डिजिट,
आउट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, तो पहला डिजिट सेलेक्ट करने के लिए पांच ऑप्शन है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर से पांच ऑप्शन है और फिर से पांच ऑप्शन है, 125। एकदम सिंपल। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, चलो स्टार्ट करो इसको। अ लेटर लॉक, लेटर लॉक पता है क्या? हैज थ्री रिंग्स एंड वो देखो ना ऐसा रहता है ना, वो अपने बैग वेग पे रहता है ना ऐसा, जो हम लोग वो चैन घुमा घुमा के लॉक करते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है लॉक, ऐसे उस पर नंबर लिखा रहता है, उसको हम लोग ऐसे घुमा के ऐसे लॉक करते, कुछ भी हम लोग पासवर्ड रख देते हैं और वो मेरा कोड हो जाता है, तो उसको लेटर लॉक बोलते हैं। अ लेटर लॉक हैज थ्री रिंग, ईच रिंग हैज फाइव लेटर, तो अपने पास ऐसा थ्री रिंग्स हैं, एक रिंग हो गया और हर एक रिंग में सेकेंड रिंग हो गया और ये थर्ड रिंग हो गया, हर एक रिंग में कितना है, फाइव लेटर है, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट कैन बी मेड टू रिक्वायर द लॉक ओपन, टू ओपन द लॉक। अब इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया गया है टेक्स्ट बुक में। अ लेटर लॉक हैज थ्री रिंग, ईच रिंग हैज अ फाइव लेटर, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट कैन बी रिक्वायर्ड टू मेक द लॉक ओपन। तो इसमें एक्चुअली तुमको क्या फाइंड करने वाले हैं, नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन ऐसा कर दो, डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल, डिटरमाइन वर्ड के बाद से चेंज करना है थोड़ा सा, क्योंकि लॉक ओपन तो एक ही बार में हो जाएगा, जैसा उत्कर्ष और अखिलेश ने लिखा हुआ है, 125 टोटल तरीके हैं, पर लॉक ओपन तो एक ही बार में हो जाएगा ना, कोई तो एक बार में, तो 124 तरीके फॉल्स तरीके, तो क्वेश्चन को डिटरमाइन के बाद से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, तब इसका असली मीनिंग बनेगा। डिटरमाइन दी मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल, दैट कैन बी मेड बिफोर लॉक इज ओपन, लॉक ओपन होने के पहले कितना मैक्सिमम ट्रायल हम लोग को करना पड़ सकता है। तो लॉक ओपन तो कोई एक ही कॉम्बिनेशन से होगा ना, बाकी तो सारे फॉल्स माने जाएंगे। तो कितने हैं, और लेटर हैज थ्री रिंग, तो पहले रिंग में पांच लेटर है, मतलब सपोज ए बी सी डी और ई e है, तो मेरे पास कितना ऑप्शन है इधर पे बताओ, फाइव ऑप्शन है, वैसे इसमें भी ए बी सी डी ई होगा, इधर के लिए भी फाइव ऑप्शन है और इधर के लिए भी फाइव ऑप्शन है ना, सारे ऑप्शंस मुझे कंपलसरी सेलेक्ट करने ही है, ऐसा तो नहीं है कि कोई एक नहीं भी सेलेक्ट किया, सो दिस विल बिकम 125, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वेज है। नाउ फॉर फॉल्स ट्रायल्स हम लोग 125 में से एक माइनस कर देंगे, काहे के लिए एक माइनस किया, मन कर रहा था इसलिए माइनस कर दिया क्या एवरीवन, एक माइनस करने का रीजन कौन बताएगा, क्योंकि हम लोग फॉल्स ट्रायल्स ढूंढ रहे हैं। हाँ बोलो अखिलेश, यस अखिलेश आप आंसर कर दो। अनम्यूट करके आंसर कर दो ताकि सब लोग सुन ले। हाँ दैट्स राइट, क्योंकि लॉक कोई एक बार में तो खुल जाएगा ना, तो 125 में कोई तो एक तरीका ऐसा है जिससे लॉक ओपन होता है, अपने को तो फॉल्स वाला चाहिए, तो वो एक तरीका निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तब, ताकि हम लोग को नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स पता चल जाए, मतलब 124 बार मेरे को नाकामयाबी मिलेगी और एक बार मेरे को कोई तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं। तो अगर आप कभी आपके ब्रीफकेस का लॉक भूल जाते हो तो आप इसको ओपन कर लेना, किसी दूसरे का मत करना, है ना, कि जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि 125 कॉम्बिनेशन है, तो चलना फिर ट्रायल ही करते हैं किसी का ओपन करने का, वैसा गेम मत खेलना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे क्वेश्चन है ना गवर्नमेंट एग्जाम भी, अगर आप कभी आगे चल के दोगे ना, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं एसएससी वाला या फिर कोई एप्टीट्यूड एग्जाम्स होता है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में आप इंजीनियरिंग किया और आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू में आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें ये सारे सब परम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखना
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 10,000 हैव फोर इन इट्स यूनिक प्लेस? अब बिटवीन 100 to 1,000, अखिलेश थोड़ा आंसर देख लो। यस यस, गवर्नमेंट एग्जाम में एनडीए भी डेफिनेटली आता है, कोई भी टाइप का गवर्नमेंट एग्जाम। सो बिटवीन 100 to 1,000 यानी कि नंबर्स लाइक 101, 102, 103 अप टू 999। नो लाइक मतलब नहीं है, नंबर्स लाइक है वो, कोई इधर लिखता हूं। तो कितने डिजिट के नंबर्स आ रहे हैं? सब लोग ध्यान देना, सबका रॉन्ग आंसर अभी तक रॉन्ग है, सबका आंसर अभी तक रॉन्ग है। वी हैव थ्री डिजिट नंबर्स। ओके, सो अब सुनो सब लोग क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, प्रोसेस समझना, प्रोसेस प्रोसेस प्रोसेस। एक क्वेश्चन समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, याद रखना। हम लोग को क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 to 1,000 हैव अ यूनिक, हैव अ फोर एट इट्स यूनिक प्लेस। तो चलो पहले हम लोग यूनिट, तीन डिजिट का नंबर बनने वाला है ये तो याद है अपने को, ये तो अपने को पता है। तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है और ये हंड्रेड प्लेस है। अब यू, अब नंबर्स मेरे पास कौन से अवेलेबल है, मेरे पास नंबर्स कौन से अवेलेबल है, अवेलेबल नंबर आर, कौन कौन से डिजिट्स मेरे पास अवेलेबल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यूनिट प्लेस पे कौन आएगा, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर सेलेक्ट करने बोला है क्वेश्चन ने, 4। अब इसमें से तुम 4 कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, इस पूरे ना ये जो नंबर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसमें से 4 कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह अखिलेश एंड उत्कर्ष, 4 एक ही बार है तो एक वे से ही सेलेक्ट होगा। वेरी गुड, 4 एक ही बार है ना यार, तो एक ही तरीके से सेलेक्ट होगा। अच्छा, टेंस प्लेस पे कोई भी आ सकता है, यस और नो? तो अब कितने नंबर्स बचे यहां पे, कितने तरीके बचे टेंस प्लेस पे नंबर लिखने के, कितने तरीके बचे, 4 नहीं आएगा, 4 आ चुका है पहले से। अब कितने तरीके बचे मेरे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अच्छा एक मिनट, 4 आ सकता है, आई एम सो सॉरी, 4 क्यों नहीं आएगा, 4 तो आ ही सकता है, इधर फिर से मैं 4 लिख सकता हूं ना। अच्छा 9 नहीं था, हाँ 4 पहले सेलेक्ट हो चुका है। अब कितने तरीके बचे मेरे पास, इधर बताओ, काउंट करो, काउंट करो एवरीवन। हाँ क्या बात है, सब लोग राइट आंसर दे रहे हो, 9 वेज बचे। अच्छा अब मान लो उसमें से कोई एक नंबर मैंने ले लिया, सपोज ये 9 नंबर्स जो मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें से कोई एक नंबर ले लिया, चलो 7 को ले लिया। अब 100 के प्लेस पे लिखने के लिए कितने नंबर मिले बच रहे हैं मेरे पास, 8 नंबर्स। क्या बात है, क्या बात है यार, मजा आ गया आप लोगों को पढ़ाने में आज, मतलब मेरे को आज समझ में आ रहा है कि कितने अच्छे बच्चे सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कितना सिंसियर बच्चे हैं सब। 8 × 9 × 1, 8 × 9 = 72 वेज। समझ में आया क्या, ऐसा कोई भी है जिसको नहीं समझ में आया हो, बिंदास पूछो यार, बिंदास पूछो। अगर आप यहां भी हेजिटेट हो गए पूछने के लिए तो फिर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता फिर दुनिया में, याद रखना। इतना ही हेल्पफुल टीचर होता है, अब आपकी जगह पे टीचर आके लिखेगा थोड़ी ना आपकी बुक में, वो तो फिर स्पून फीडिंग हो गई, वो तो बचपन में होता है। समझ गए, ओके चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर विल नॉट एक्सीड 7432 इफ दे आर फॉर्म्ड यूजिंग 2347? तो मेरे पास जो नंबर्स अवेलेबल है उसको लिख लो पहले, मेरे को ऐसा नंबर बनाना है कि 7342 से ज्यादा नंबर नहीं बनना चाहिए। सुना समझे, सुना सुना सुना। मेरे पास अवेलेबल नंबर्स कितने हैं, 2, 3, 4, 7। अब मेरे को ऐसा नंबर बनाना है कि 7432 से ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए, उससे छोटा चलेगा। बोलो क्या करूं, चलो पहले स्पेस बना देते हैं,
मेरे को क्या चेक करना है, 7432 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए, तो चार स्पेस बना दो, यूनिट टेंस हंड्रेड, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड। एक बात बताओ, थाउजेंड प्लेस पे कोई भी आ सकता है इनमें से? थाउजेंड प्लेस पे कोई भी आ सकता है इनमें से? इस टाइप के नंबर को ना थाउजेंड प्लेस से स्टार्ट करो, समझ में आ रहा है, थाउजेंड प्लेस से स्टार्ट करने का, तो सेवन भी आ सकता है ना? मेरे को 7432 से छोटा नंबर चाहिए ना, तो मैं सेवन भी ले सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बाद में मैं कॉम्बिनेशन ऐसा बना दूंगा कि सेवन के लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो थाउजेंड प्लेस पे कोई भी आ सकता है, तो मेरे पास चार तरीके हैं थाउजेंड प्लेस के, तो मैं यहाँ पे फोर वे लिख दूंगा। अब उसमें से कोई एक नंबर आ गया तो हंड्रेड प्लेस के लिए, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर अलाउड होता तो उसने लिखा होता इधर विदाउट रिपीटेशन बोला है। तो अब हंड्रेड प्लेस के लिए कोई भी नंबर आ सकता है, तो वहां पे थ्री वेज आ जाएंगे बराबर। टेंस प्लेस के लिए दो तरीके हैं, फिर उसके बाद यूनिट प्लेस के लिए वन वे है। तो क्या हो जाएगा टोटल वे? अब तुम सोचो ये सम इतना आसान क्यों क्या मालूम है? क्योंकि इन लोगों ने रिपीटेशन अलाउ नहीं किया था। अगर रिपीटेशन अलाउ करते तो फिर ये मुश्किल हो जाता था। क्लियर? कहाँ, क्या सेवन क्या बोल रहे हो ऋषि सर? सेवन है ना, कहाँ पे, किस चीज की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो ऋषि? अनम्यूट करके बोल दो फटाक से, आगे बढ़े एवरीवन। यूनिट में, यूनिट में आ सकता है ना सेवन, लेकिन मैं सेवन डालूंगा ही क्यों वहां पे, जब मेरे को डर है कि मेरा एक्सीड कर सकता है तो। पर सेवन उधर भी आ सकता है, ऐसा कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मान लो मैंने इधर इधर इस 7432 से इधर फोर को बिठा दिया, इधर थ्री को बिठा दिया, इधर टू, तो इधर सेवन आ सकता है ना अभी भी, तो ये 7432 से लेस ही है, समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये वाला देखो, नाइन्थ वाला देखो। इफ द नंबर्स फॉर्म यूजिंग डिजिट 2, 3, 4, 5, 6 विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्सीड 400? कितने लोग 400 को एक्सीड करेंगे? तो 400 से बड़ा चाहिए ना, पहले तो तुम इधर लिख दो, नंबर ग्रेटर देन 400 चाहिए, नंबर ग्रेटर देन 400 चाहिए। तो यूनिट टेंस हंड्रेड, इधर पे कौन कौन आ सकता है अगर 400 से बड़ा नंबर चाहिए तो? 100 प्लेस पे फोर फाइव सिक्स भी है ना, ये देखो ध्यान से देखना, 2, 3, 4, 5, यहां पे नीचे देखो सिक्स भी है। तो मेरे को बताओ 100 प्लेस पे कौन सा, कितने ऑप्शन है मेरे पास? 4, 5, 6 का ऑप्शन है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मेरे को 400 से बड़ा नंबर चाहिए तो इधर पे मेरे को थ्री वेज है, 4, 5, 6 का थ्री वेज है। वेरी गुड उत्कर्ष अखिलेश, ओके। चार या पांच या छह रखूंगा तो 400 से बड़ा नंबर आएगा। 100 प्लेस के लिए मेरे पास तीन तरीके हैं। चलो तीन में से मैंने कोई एक नंबर को सेलेक्ट कर लिया, अब टेंथ प्लेस पे तो कोई भी आ सकता है। कितना वे है? 1, 2, 3, 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो फोर वेज हो जाएगा। दुर्गा, रिपीटेशन नहीं अलाउड है, विदाउट रिपीटेशन बोला है। मतलब अगर मान लो आपने यहां पे सिक्स को बिठा दिया, यहां पे अगर आपने सिक्स को बिठा दिया तो आप दोबारा सिक्स नहीं ले सकती हो, समझिए आप दुर्गा? अगर आपने हंड्रेड प्लेस पे सिक्स को बिठा दिए तो आप दोबारा सिक्स को अवेलेबल नहीं आपके लिए, तो फिर टेंथ प्लेस के लिए चार ही लोग बचे ना, तो फोर वे। और यूनिट प्लेस के लिए अगर मान लो आपने कोई एक फोर वे में कोई एक नंबर ले लिया, मान लो थ्री को सेलेक्ट कर लिया, तो यूनिट प्लेस के लिए कितने लोग बचे फिर? तीन लोग बचे, मतलब थ्री वे, फोर, थ्री इंटू फोर इंटू, टोटल वे में क्या जाएगा, थ्री इंटू फोर इंटू थ्री, 36। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर? यस, ऑल राइट। सो स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स टेक वन ब्रेकआउट क्वेश्चन।
हाउ वॉज द सेशन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड, ये सब फीडबैक आप लोग को देना है आफ्टर द एंड, एक ब्रेकआउट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाओगे आफ्टर लेक्चर में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। प्लीज पार्टिसिपेट इन द ब्रेकआउट सेशन एवरीवन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू एबल टू सॉल्व इट। ओके सो कुछ लोगों ने ऑप्शन अलग अलग मार्क किया हुआ है, सबने ही, चलो वेरी गुड। ओके सो इसका सोल्यूशन आई विल प्रोवाइड आफ्टर द लेक्चर एवरीवन। ऑलराइट, आई एम एंडिंग दिस सेशन। हाउ वाज द सेशन? इसका सोल्यूशन आपको मैं नून एकेडमी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? वेरी मच ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी। सो प्लीज रेट द सेशन एज अ ग्रेट सेशन एवरीवन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय मोटिवेशन। ऑलराइट, सी यू ऑल टुमारो एट 5 PM, ठीक है? वेलकम एवरीवन, वेलकम उत्कर्ष, बाय एवरीबडी, टेक केयर।